तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आज और हम मिलकर एक दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ काम करेंगे और दो इंस्टीट्यूट जब एक साथ मिलते हैं तो एक करीब दो नहीं होंगे, 11 होंगे। और इसी स्पिरिट के साथ मैं प्रोफेसर सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मौके पे दो लाइन भी बोले, फिर माननीय कुलपति से आशीर्वाद लेने के बाद इसको पूरा करेंगे। माननीय कुलपति शास्त्री जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, डॉक्टर सुनील कुल सचिव गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, अधिष्ठाता फार्मेसी डॉक्टर राजपूत हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य शिक्षक का, सबसे पहले मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जो एक नामचीन विश्वविद्यालय है आयुर्वेदा और फार्मेसी के संदर्भ में हमारे साथ एमओयू करने के लिए तैयार है। मेरा विश्वविद्यालय बहुत नया है, अभी मात्र 4 वर्ष की आयु हुई है इसकी। इस 4 वर्ष में हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट ने 5 पेटेंट पब्लिश किए हुए हैं, 2 ग्रांटेड हैं और मुझे लगता है कि आपके साथ जुड़कर हमारे विश्वविद्यालय में भी कुछ नई विधाएं फार्मेसी के संदर्भ में विकसित होंगी। इसी आशा के साथ आज हम इस कार्य के लिए आए हुए हैं और मुझे लगता है शास्त्री जी और इस विश्वविद्यालय का आशीर्वाद मुझे बहुत आगे ले जाएगा। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स, मैं बहुत ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ इस भाव के साथ कि आज IIMT यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक MOU साइन होने जा रहा है और उस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और हम दोनों इस पर जो एक अपना एक सहमति के साथ साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो एक MOU साइन करने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि चूँकि ये गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय एक परंपरागत विश्वविद्यालय रहा है और प्रारंभ से ही आयुर्वेद, वेद और योग इत्यादि बहुत सारी विधाओं में इसका अपना अप्रतिम योगदान रहा है और हम चाहते हैं कि चूँकि इस देश के कोई विश्वविद्यालय है, संस्था है, वो हमारी संस्था है क्योंकि देश की संस्था है। यहाँ से सभ्य और भावी ऐसे नागरिक तैयार किए जाते हैं कि जो देश की मेरुदंड बनते हैं, वो उनके ऊपर एक देश का उत्तरदायित्व और भार आता है। तो ऐसे सभ्य नागरिक और निष्ठावान नागरिक किसी भी संस्था से पैदा हों, वो हमारे देश की सेवा है। उसमें IIMT यूनिवर्सिटी, गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य करेंगे, ऐसा मैं सोच करके चलता हूँ और उसी को लक्ष्य करके जो आज MOU जिस दिशा में हम साइन करने जा रहे हैं, हमारे दोनों विश्वविद्यालयों की फैकल्टी भी अपनी पूरी प्रसन्नता रखती है इस दृष्टि से कि हम एक दूसरे को समझेंगे, नज़दीक आएंगे और जो आपके पास है हमें मिलेगा और हमारे पास है आपको मिलेगा। तो ये परम भावीयता कि भाव के साथ आज ये MOU साइन हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय सिंह साहब, जो माननीय कुलपति हैं IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ के, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ और शुभेच्छाएँ देता हूँ कि आपके लीडरशिप में आपके विश्वविद्यालय आगे बढ़े और हम दोनों से गंतव्य पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी।
एक एमओयू साइन इसलिए करता है कि उनके पास कुछ है हमें मिले और हमारे पास कुछ है तो हम खुले दिल और उदारता से हम प्रदान करें। ये हमारी एक कंसेप्ट है, ये हमारी एक परंपरा है। उसी परंपरा के अनुरूप आज IIMT यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति जी के साथ में हमारा एक MOU साइन हुआ है विश्वविद्यालय के साथ, और जिसमें आयुर्वेद फार्मा और दूसरे विधाओं में जहाँ जहाँ संभावना हो सकती है उसमें हम मिलकर के साथ साथ काम करना चाहेंगे। इससे एक विश्वविद्यालय का स्तर जहाँ बढ़ेगा शोध के क्षेत्र में, वहीं पर विद्यार्थियों को हम बहुत अच्छा स्किल बनाना चाहेंगे, और साथ ही जो हमारी फैकल्टी है वो भी एक एक्सचेंज व्यू रखेंगे तो उनसे भी उनके इजाफा बढ़ेगा, उनके नॉलेज में, उनकी बुद्धि में, उनके शोध के स्तर पर। तो यही एक प्रमुख ध्येय है और यही एक अच्छी सेवा है देश की, और उस सेवा के प्रति हम दोनों संस्थाएं कटिबद्ध हैं और उसी दृष्टि को लेकर के आज यहां पर साइन किया है। धन्यवाद। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालयों में एक अपना स्थान रखता है, खासतौर से योगा, नेचुरोपैथी, फार्मेसी और आयुर्वेद में। IIMT विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है, कुल 4 वर्ष इसकी स्थापना को हुए हैं, परंतु इसी छोटी सी अवधि में इस विश्वविद्यालय ने 5 पेटेंट फाइल किए हुए हैं, 2 पब्लिश हो चुके हैं, 1 ग्रांट आ चुका है। मुझे लगा कि अगर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो आयुर्वेद और योगा के लिए बहुत प्राचीन काल से नोन है, अगर इसके साथ हमारा संबंध हो जाए तो निश्चित रूप से इनके द्वारा, इनकी फैकल्टी द्वारा अर्जित ज्ञान का लाभ हमें, हमारे विद्यार्थियों को तथा हमारे शिक्षकों को मिलेगा। इसी आशा के साथ ही ये MOU साइन हुआ है। मुझे विश्वास है कि इन विभिन्न विषयों में दोनों विश्वविद्यालय एक्सेल करेंगे।